गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए करते हैं 7.1 में दूसरा सवाल। पहला सवाल हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं 0.0 और 36.15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, दो बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं 0.0 और 36.15, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। बच्चों तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, 0.0 को x1y1 और 36.15 को x2y2 लेके। मगर एक थोड़ा और आसान हो सकता है। 0.0 जैसा कि हम जानते हैं मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी √x2 + y2 होती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका डेरिवेशन भी करा था। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी d √x2 + y2 को अप्लाई कर लेते हैं, तो d आ जाएगा √36² धन 15². तो d √36² करेंगे, 6 × 36 की 6 से लगे 3, 6 × 3 = 18, 2 × 36 = 37, 37 × 38 = 39 की 9 से लगे 3, 3 × 3 = 9, 3 × 12 196 प्लस 225, 15² आएगा। अब d जोड़ लेंगे, 6 × 5 = 11 की 1 हासिल लगे 1, 9 × 1 = 10, 2 × 12 = 2 हासिल लगे 1, 2 × 2 = 4 = 5 और 1521। तो d = 1521 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इसके, 3 से कटेगा ये, 3 × 5 = 15, 0, 3 × 7 = 21, फिर आप पुनः 3 से कट जाएगा ये, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, अब ये 13 से कटेगा, 13 × 13 = 13 जाएगा ये, और फिर से 13। तो d लिखेंगे √3 × 3 × 13 × 13, और एक एक पेयर बाहर निकाल लेंगे, d = 3 × 13, तो d आ गया 39 units, 39 इकाई इसका आंसर है बच्चों। और आगे कह रहा है कि आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चों का एग्जांपल दिया गया है, तो इसी के आधार पर उन दोनों शहरों के बीच की दूरी बस 39 किलोमीटर्स हो जाएगी। तो दूसरा आंसर आप लिख देंगे 39 किलोमीटर्स। अगला तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं। कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, 3 बिंदु दिए गए हैं और ये हमें इसका निर्धारण करना है कि ये तीनों बिंदु बच्चों संरेख हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसको आगे आने वाली कक्षाओं में इस प्रश्न को हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से भी करेंगे, मगर अभी हमने केवल डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, तो उसी की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जाँच कीजिए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1.5, 2.3, दो बिंदु हो गए, और तीसरा क्या दिया है, -2, -11 कह रहा है कि बताइए क्या ये संरेखी हैं, कोलिनियर हैं। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है बच्चों, मान लीजिए 3 बिंदु संरेखी हैं, अर्थात वो एक ही रेखा पर हैं, ABC, इनमें से बच्चों कोई भी, इन तीनों बिंदुओं में से कोई भी एक, कोई भी बी या कोई भी सी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए इस क्रम में हो, तो अगर ये तीनों संरेखी होंगे बच्चों, तो उस दशा में क्या होगा, AB = BC = AC आएगा, अगर B बीच में होगा, या बाय चांस अगर C बीच में है तो B इधर है अगर, तो उस कंडीशन में AC = BC = AB आ जाएगा, या अंतिम स्थिति ये हो सकती है कि A बीच में हो, तो उस कंडीशन में AC = AB = BC आ जाएगा। यही 3 स्थितियाँ हो संभव है। तो अब हमें तो मालूम नहीं कौन सा बीच में है, कौन सा किनारों में है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, और इन दूरियों में किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के अगर बराबर आ रहा होगा तो हम ये कह देंगे संरेखी हैं, और अगर किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं आ रहा होगा तो हम कह देंगे भैया संरेखी नहीं है। चलिए करना शुरू करते हैं। तो इसको किस तरह से फ्रेम करेंगे, भाषा इस तरह से लिखेंगे कि 1.5 व 2.3 के बीच की दूरी बराबर, इस दूरी को मान लीजिए हम d1 ले रहे हैं, तो d1 = सूत्र लगाएंगे √x2 − x1² + y2 − y1² तो ये नीचे आ गए x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x2 − x1 हम डायरेक्ट बच्चों घटा के लिख रहे हैं, लेंदी नहीं होगा, जिससे 2 में से 1 घटा x2 − x1² 2 में से 1 घटा 1, 1 का वर्ग 1 ही आएगा।
अब 3 - 5 यानी -2 - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 4, तो ये फाइनली आ जाएगा अंडर रूट 5 इकाई। उसी तरह से बच्चों अब हम 2, 3 व -2, -11 के बीच की दूरी, इसको मान लीजिए D2 मान लेते हैं, तो D2 बराबर अंडर रूट, अब हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं ऊपर लिख चुके हैं, X1 Y1, ये X2 Y2 है, X2 - X1 का होल स्क्वायर मतलब -2 और -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस का 16, और इधर Y2 - Y1 का होल स्क्वायर यानी -14 का होल स्क्वायर, -14 का होल स्क्वायर 196, 4 जगह 16 की 6, हासिल लगे 1, 4 एकम 4, दुनिया 8 एक 9, 196, ठीक है। तो D2 इज इक्वल टू आ गया, जोड़ेंगे 6 और 6 12 की 2, हासिल लगे 1, 9 एक 10, 11 की 1 हासिल लगे 212, तो अंडर रूट 212 इकाई आ गया 212। और अब हम 1, 5 और लास्ट वाला लेते हैं -2, -11 के बीच की दूरी बराबर, के बीच की दूरी इसको मान लीजिए हम नाम दे रहे हैं D3, तो D3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये X1 Y1 हो गया, ये X2 Y2 हो गया, X2 - X1 का होल स्क्वायर -2 और -1 यानी -3 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर प्लस का 9, और इधर -11 - 5 यानी -16 का होल स्क्वायर 256, 6 छलांग 36 की 6, हासिल लगे 3, और 6 कम 6 दूनी 12, 3 15 की 5, हासिल लगे 1, 256 आ गया। तो D3 बराबर जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 9, 6 15 की 5, हासिल लगे 1, 5 1 6 और 265। अब बच्चों 265 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो ये कटेगा 5 से 5 के बाद 53 आएगा, अर्थात अब बच्चों इसमें इसके भी आगे प्राइम फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो अर्थात अब ऐसा तो हो ही नहीं पा रहा है कि किन्हीं दो दूरियों का योग बच्चों तीसरी दूरी के बराबर हो, मतलब D1 + D2 D3 के बराबर नहीं है, D2 + D3 D1 के बराबर नहीं है, और D1 + D3 D2 के भी बराबर नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा तीनों बिंदु संरेख नहीं है, अतः ये बिंदु ऐसे आप लिखेंगे संरेख नहीं है। इस दशा में ये सिद्ध हो गया कि ये तीनों बिंदु बच्चों क्या नहीं है, संरेख नहीं है। चलिए बच्चों धन्यवाद, अगले वीडियो में आगे के प्रश्न करते हैं।